विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि उनकी शर्तें मानी जाएं, नहीं तो फिर से आज सदन का बायकॉट करेंगे। कल भी आरजेडी विधानसभा में मारपीट के मामले को लेकर सदन का पार्टी ने बहिष्कार किया था। सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते अभी तक कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी है। विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर बहस कराने की मांग कर रहा है, साथ ही मुख्यमंत्री से माफी मांगने की जिद पर भी विपक्ष यहां पर अड़ा हुआ है। आप बैठिए, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, थोड़ा सा सम्मान करिए। तो कल भी तनातनी देखने को मिली दोनों पक्षों की तरफ से। विपक्ष की यह मांग थी कि इस पूरे मसले पर बहस करा ली जाए और मुख्यमंत्री से कहा था कि आप माफी मांगिए कि पुलिस कैसे विधानसभा के भीतर आई। जब इस मांग को अस्वीकृत कर दिया गया, उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया, कार्यवाही नहीं चल पाई, विपक्ष ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। ये छोटा सत्र है, 5 दिन का यह सत्र है और 2 दिन इसके हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। पहला दिन तो शोक के लिए रखा गया था, लेकिन दूसरा दिन इसके हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज तीसरा दिन है और उम्मीद कम ही की जा रही है कि आज भी कार्यवाही चलेगी। पटना से जिमीडिया संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवजीत, क्या लग रहा है, आज क्या कुछ हो सकता है, जब 1 घंटे बाद, थोड़ी देर बाद जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी? तो नवजीत जी, देखिए आज का जो कार्यवाही है, एक तरीके से जो सदन के अंदर की जो बात है, मैं पहले बता दूं कि सदन के अंदर तो जो विपक्ष है वो जाएंगे नहीं, क्योंकि कल ही अनाउंस कर चुके हैं वो कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाती हैं तब तक मैं वॉकआउट रहूँगा। दरअसल विपक्ष, खासकर राजद है, वो सदन के बाहर सदन के समानांतर एक सदन चलाने की बात आ रही है। अभी जगह अब वो तय नहीं कर चुके हैं। हमारे पीछे देखिए, ये जो खुला जो छोटा सा जगह है, इस जगह पे बात आ रही थी कि वो लोग सदन के बाहर बैठ करके सदन चलाएंगे, लेकिन चूंकि बारिश हुई है, बारिश होने के बाद मिट्टी है वो गीली है, ऐसे में बैठना नामुमकिन यहाँ पे दिख रहा है। तो अब देखना होगा कि कहाँ पर वो लोग बैठते हैं। और यही नहीं, बात यह भी आ रही है सूत्र के हवाले से कि शाम तक शायद राजभवन का मार्च करे राजद है, वो विधानसभा से निकल करके राजभवन की ओर मार्च करेंगे। तो देखा जाए तो जो आज का जो दिन है वो काफ़ी गहमागहमी रहने वाला है। सदन के अंदर जहाँ सत्ताधारी दल हैं वो कई विधेयक को पेश करेंगे, विधेयक को पास करवाएंगे, वही उस विधेयक के वक्त जो विपक्ष है वो नदारद रहेगा और वॉकआउट रहेगा। साफ सी बात है कि जो बजट सत्र के दौरान जो मारपीट हुई थी विधायकों के साथ, जो बदसलूकी की गई थी, उसको लेकर के कार्रवाई की बात की जा रही है। वहीं जो स्पीकर हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि जो कार्रवाई है वो आचार संहिता जो समिति है वहाँ पे चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि जो कार्रवाई है, क्या रिपोर्ट क्या है, वो क्या आती है। लेकिन सवाल साफ है कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चल रहा है अभी मानसून सत्र, ऐसे में इस वक्त में यदि आचार समिति है वो कोई रिपोर्ट नहीं दी है, कौन सी बहुत बड़ी जांच की प्रक्रिया है, फुटेज है, फुटेज को देखना होगा। तो कहीं ना कहीं आरजेडी की जो डिमांड है वो जायज दिख रही है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई कहीं ना कहीं एक लीपापोती है। बिल्कुल, वो सिपाही है। बिल्कुल नवजीत, आपको रोकना चाहेंगे, रुपेंद्र भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रुपेंद्र से बात करते हैं। रुपेंद्र, 5 दिन का सत्र था, 2 दिन तो चले गए, 3 दिन बचा हुआ है, क्या होगा इसमें? रुपेंद्र, देखिए 3 दिन में ये सत्र के बचे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये सत्र जो है हंगामे की भेंट फिर चढ़ेगा। खासतौर पर बात करें तो जिस तरह से आरजेडी की एक ही मांग है और आरजेडी जो है कल रात में जो है वो एक बैठक की है अपने विधायक दलों की, और आज के लिए जो है रणनीति जो है कल ही तैयार कर ली गई है। और ख़ासतौर पर जिस तरह से विधायकों की जो पिटाई की गई थी और उस मामले में जिस तरह से जांच समिति ने रिपोर्ट दिया है और उससे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुश नहीं हैं और कहीं ना कहीं जो है वो सरकार को इस मामले में घेरने की चाहत में है और लगातार जो है सरकार को इस मामले पर घेर रहे हैं। इसको लेकर जो है अभी आप देखिए कि पुलिसिया व्यवस्था भी जो है कल की अपेक्षा आज जो है चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। आईपीएस रैंक के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देखिए चारों तरफ से जो है धीरे धीरे जो है पुलिस बलों की संख्या को भी जो है बढ़ाया जा रहा है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो सरकार जो है अपने तरफ से है पूरी जो है तैयार है। वहीं विपक्ष इसलिए तैयार है कि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई जो है बस एक दिखाया
दिखावा है। और जिस तरह से विधानसभा में विधायकों के साथ जो सलूक किया गया वो सही नहीं है, तो इस तरह से देख के जो है विपक्ष लगातार जो है सरकार को घेरने की तैयारी में लगी हुई है। और विपक्ष जो है आज फिर जो है सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरफ कहा जाए तो हंगामा जो है वो करेगा। खासतौर पर आज तीन विधेयक आने वाले हैं, तीन विधेयक में है, दो संशोधित विधेयक हैं और एक विधेयक जो है वो आने वाला है, तो इसको लेकर जो है विपक्ष सरकार ये चाह रही है कि अपने विधेयक को पास करवाएं। वहीं विपक्ष जो है अगर सदन से वॉकआउट करता है तो सरकार जो है वो अपना विधेयक जो है आसानी से पास कर लेगी। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो आज का जो दिन है फिर से हंगामेदार रहेगा। और अब धीरे धीरे जो है विधायकों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी और अब देखते हैं कि 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो विपक्ष का इस पूरे मसले को लेकर क्या रुख रहता है। रुपेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, नवजीत आप भी हमारे साथ बने रहिए। जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से विधानसभा में तनातनी देखने को मिल सकती है, लेकिन